विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान एलएसपी नेता पंकज चौधरी और पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। मनोहर लाल ने कांग्रेस और एनएलओ पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएलओ ने न तो उनके सामने अपना कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वहीं जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी तेज बहादुर पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पार्टी को कोई और तो उम्मीदवार मिला ही नहीं, एक फौजी को खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी का घोषणा पत्र 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। सब नेताओं का, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जो बढ़ रहा है, उसमें मैं ऐसे सब नए ज्वाइन करने वाले हमारे दूसरी पार्टियों के नेता, आज श्री मनोज वधवा, आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के भी कुछ कार्यकर्ता, जिसमें सुभाष हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल लोकदल के, बीएसपी से पंकज चौधरी जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी करनाल के श्री वीरेंद्र शर्मा, और इसी प्रकार से एडवोकेट अनिल पांचाल असंद से हैं, आम आदमी पार्टी के मनोज दहिया, ये भी किसान मोर्चा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में मिले हैं।